तो आज हम सीखेंगे कि कैसे न्यूज इंपैक्ट को एनालाइज करें और किस तरीके से न्यूज के ऊपर रिएक्ट करें अगर गोल्ड ट्रेडिंग करते हुए आपको न्यूज देखने का मौका ना मिले और अचानक से कोई ऐसी मूवमेंट मूवमेंट आ जाए तो उस में अपने आप को किस तरीके से स्टेबल किया जाए देखो मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं एक्स ए यू यूएसडी अब कॉमन सेंस की बात है दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है कौन कौन सी चीजें गोल्ड एंड यूएसडी डॉलर जिसको हम बोलते हैं तो कॉमन सी बात आती है अगर इनमें से कोई भी मजबूत होगा तो

हिसाब से ही उस देश की आने वाली फ्यूचर जो भी है वो डिसाइड होने वाला है तो यहां पर देखा जाए तो डॉलर का अप साइड पर मूवमेंट होना यहां पर गोल्ड के अंदर डाउन साइड की मूवमेंट को क्रिएट करता है अब जब ये डाउन साइड पे मूवमेंट हुई तो यहां पर गोल्ड में कोई कमी नहीं आई है एक्चुअल में डॉलर में यहां पे एक अच्छी लाइक ग्रोथ देखने के लिए मिली इस वजह से यहां पर डॉलर के साथ में आप देखेंगे तो गोल्ड में डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिली अभी डाउन साइड की मूवमेंट आई तो इसके देखकर क्या लगता है कि अभी डाउन ट्रेंड चालू हो गया आंसर है बहुत बड़े वाला ना क्यों क्योंकि समझिए कि टेम्परेरी बेसिस पे जब न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है तो वहां पर कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते यहां पर हुआ क्या न्यूज आई डॉलर मजबूत हुआ इट्स गुड बहुत अच्छा अब अगर ये न्यूज जितनी थी उतना इंपैक्ट पड़ चुका पढ़ने के बाद में अब नेक्स्ट गेम चालू होता है गेम क्या चालू होता है आपको बताना चाहूंगा जो गोल्ड होता है उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम जो होती है वो होती है लंदन सेशन में मींस पूरी मार्केट्स में जो अलाउ होता है जो पैसा आता है वो लंदन सेशन में एक हाई वॉल्यूम लेके आता है फॉर गोल्ड ट्रेडिंग अब आप खुद सोचिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कि एक न्यूज आती है जिसमें कि डॉलर मजबूत हो जाता है डॉलर मजबूत हुआ क्यों क्योंकि वहां पर इलेक्शन में जो पार्टी जीती है उसकी पॉलिसी डॉलर को मजबूत करने के लिए मानी जाती है अचानक से न्यूज आई और न्यूज आने पर अब यहां पर गोल्ड में डाउन की मूवमेंट देखने के लिए मिली अब अगर आप एक बड़े ट्रेडर हो या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने जा रहे हो तो इस चीज को दिमाग से लगाओ कि अगर गोल्ड की कोई न्यूज आई नहीं है न्यूज तो डॉलर की आई है तो यहां पर जो डाउन साइड की मूवमेंट आई है क्या वो सच में गोल्ड में कोई कमी हुई है या फिर गोल्ड में कोई प्रॉब्लम हुई है इस वजह से न्यूज आई है या फिर दूसरी पार्टी मजबूत हो गई तो दूसरी पार्टी मजबूत हुई अब यहां पर बात आती है नेक्स्ट पार्ट जो बड़े प्लेयर्स है वो यहां पर क्या करेंगे बाइंग साइड पर एंटर करना चालू करेंगे बिकॉज उनको यहां पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख जाती है अब काफी लोग कहेंगे क्या

हैं जो लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं जो हाईएस्ट वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं उन लोगों ने अपनी यहां पर बाइंग साइड पर पोजीशन क्रिएट की और उस पर्टिकुलर टाइम पर वापस रिकवरी फास्ट वे में हो गई हाइएस्ट रिकवरी आप देखोगे तो लंदन सेशन में ही आपको बार बार बड़ी रिकवरीज देखने के लिए मिलेंगी क्यों कारण बड़ा सिंपल सा है हाईएस्ट वॉल्यूम जो गोल्ड में फाइंड आउट की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो होता है लंदन सेशन क्लियर अब बात आती है हम लोग इससे क्या चीजें सीख सकते हैं हम लोग यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट समझो और बहुत ईजी वे में गेम प्ले करो कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहली बात अगर गोल्ड के अंदर कोई न्यूज आती है जरूरी नहीं है कि गोल्ड में न्यूज आएगी तो वो डाउन साइड पर ही मूवमेंट करेगा ये बात ध्यान रखिए यहां पर गोल्ड की कोई न्यूज नहीं आई है यहां पर क्या न्यूज आई है यूएसडी की न्यूज आई है और ये बात आपको पहले से प्री डिफाइंड होनी चाहिए कि जब न्यूज आती है जिस पर्टिकुलर कंट्री में इलेक्शन होते हैं वहां पर जब न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट उसकी करेंसी पर भी पड़ता ही पड़ता है और वो पड़ा ठीक है अब सोचो अगर यहां पर लाइक like, जो हुआ है उसके अपोजिट हो जाता सो so, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता तो गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रही है मेरे भाई फिर वो मूवमेंट यहां से आपको कैसी मिलती यहां वाली मूवमेंट देखने के लिए मिलती फिर उसका प्राइस कहां पर जाता है सौ अस्सी डॉलर तक के सो so, ये बात समझिए कि न्यूज जो होती है हमेशा नेगेटिव आए ये जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है तो न्यूज पे ट्रेड करना चाहते हो अगर आप गोल्ड में तो हमेशा बाय साइड पर ट्रेड कीजिए बाय साइड पर ट्रेड करने का मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि बार 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 बाय साइड पर मैं इसलिए बोलता हूं बिकॉज ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो अप साइड पर है ठीक और अगर हमें कोई भी डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है गोल्ड के अंदर बिकॉज ऑफ न्यूज देन एक्चुअल में वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करेगा और वहां पर अगर आप एंटर करेंगे तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको वहां पे एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखने के लिए मिले सो so ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जब भी कभी आप न्यूज ट्रेड करते हो न्यूज़ ट्रेड करने पर ये बात ध्यान रखिए कि न्यूज़ ट्रेड करने पर अगर गोल्ड के अंदर पॉजिटिव न्यूज आ जाती है ऊपर की तरफ भाग जाता है तो मेरे भाई वो आपके किसी काम का नहीं है क्लियर और अगर उसमें डाउन साइड पे मूवमेंट आ जाती है देन वो आपके काम का क्यों है क्योंकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नई एंट्री बनाने के लिए कारण क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो अप ट्रेंड है तो आज नहीं तो चार दिन बाद आएगा तो मेरी जेब में प्रॉफिट ही ये बात आपको समझनी है बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कैसे नंबर ऑफ लॉट्स में वर्क करते हो अगर आपका फंड छोटा है देन छोटे लॉट्स में काम करोगे तो आप कहोगे भाई पैसे बन रहे हैं बट मेरे भाई पैसे से पैसे बनते हैं ये बात आपको पहले ही समझ जानी चाहिए यहां पर आपसे कोई मजदूरी नहीं करा रहा है यहां पर आपका पैसा कितना है वही डिसाइड करेगा कि आप कितने लॉट्स ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे काफी सारे लोग यहां पर ऐसे होंगे जो लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं ठीक है और गोल्ड में ट्रेड करते हैं बट उनको यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि हम हमेशा बाय साइड पर क्यों काम करते हैं तो आप इस चीज को समझिए कि डाउनफॉल पे मूवमेंट आना जब भी छोटे टाइम फ्रेम में एक हाई मूवमेंट देखने के लिए मिले आपको डाउन साइड पर आप एक चीज नोटिस करना कि कुछ ही टाइम के अंदर वो रिकवरी करेगी और अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है यह बात मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां ये यहां पे देख लेते हैं यहां पे जाइए और यहां पे जाने के बाद में लाइक अपने सेशन को आइडेंटिफाई

बेस्ट टाइम फ्रेम लंदन ही रहने वाला है बट अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो आप इजी वे में ट्रेड एंटर कर सकते हो उसमें आपको कोई खास देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो अगर की की देखा लंदन ठीक आप स्विंग ट्रेड कर रहे भाई, आप को छोड़ कर, पे हुए हो छोड़कर स्विंग एंटर करना है और आपको आज एंटर करना है तो आप क्या कर सकते हो पर एंटर एग्जिट करने के लिए जोन स्ट्रेटजी ठीक जोन स्ट्रेटजी में एंटर कर सकते हो इसमें आपको पहले पता लग जाता है जैसे कि आज का क्या था सेवन एट थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड क्या लो जोन एंड आज का हायर जोन सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्या हाई जोन यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल क्या अगर हमारे लो जोन के पास या लो जोन से नीचे प्राइस मिलता है तब हम वहां पर बाइंग साइड पर एंटर करके इजिली कंटिन्यू चल सकते हैं गोल्ड के अंदर एक्स यूएसडी की बात की जा रही है ठीक एंटर करके इजीली चल सकते हैं बट अगर प्राइस मेरा यहां पर चल रहा है कुछ इस पर्टिकुलर जोन पर चल रहा है तो मुझको वेट कर रहा है कि कैसे ये डाउन साइड पर आए मुझे सही जगह पर एंटर कराए और कराने के बाद नहीं मुझे ऊपर की तरफ आते हुए लाइक प्रॉफिट कमा कर दे तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो यूजिंग जोन स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग ट्रेड एंड फॉर इंट्राडे डे पर्पज ठीक है स्विंग ट्रेड की बात की जाए एंट्री तो कहीं ना कहीं करोगे ना डायरेक्टली यहां पर थोड़ा ना एंट्री कर लोगे तो स्विंग ट्रेड के लिए भी जोन स्ट्रैटेजी बहुत ईजिली आपको आइडेंटिफाई करा देती है कि, कि किस जगह

टारगेट तो अचीव नहीं हो पाया तो मैं बता देना चाहता हूं मार्केट में जब भी न्यूज आएगी देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा जब भी न्यूज आएगी आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो बिल्कुल 100 परसेंट कब नहीं कर पाएगी समझ रहे हो आपको रखनी है कि, कि किसी पे भी 100 परसेंट प्रॉफिटी नहीं होती वो मैं भी हूं सिंपल सी बात आती है हम लोग भी एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद में आइडेंटिफाई करते हैं कि मालिक ये वाला जोन मेरा एंटर जोन है ये वाला जोन मेरा एग्जिट जोन है और एग्जिट जोन अगर नहीं आता देन हमें क्या करना है दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं वेट करने वाली Strategy. और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी बन ही नहीं पाओगे अगर हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं देन हमें पैनिक में आने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती बट अगर आप सोचो कि यहां पर ही मैंने दस लॉट में एंटर कर दिया जी देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप अपनी खुद की कह सकते हो कैपिटल को बर्बाद कर

जिसको पैसा वो नहीं दुनिया की सबसे कीमती चीज जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस वो जनरेट करके देता है तो ये बात ध्यान रखिए कि सही जगह पर एंटर और सही जगह पर एग्जिट करना प्लस न्यूज के टाइम पर अगर न्यूज के टाइम पर गोल्ड नीचे गिर जाता है तो मेरे मालिक वो एक अपॉर्चुनिटी है वो डर के भागने की जगह नहीं है ठीक और अगर न्यूज ऊपर की तरफ आ जाती है पॉजिटिव साइड साइड पर पर आपका कोई बाय पर ट्रेड है तो मालिक चुपचाप निकल लो सिंपल सी बात बात है न्यूज ट्रेडिंग इसको ही बोलते हैं इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर न्यूज आती है तो आपका कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपकी स्ट्रेजी, स्ट्रेजी, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री तो नहीं दिलाएंगे ठीक बट फिर भी प्लान भी हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि मुझे कहां पर एवरेजिंग पॉइंट लेके

बनाते रहो लगाते रहो बट आई नो कि उससे आपको मैक्सिमम टाइम लॉसेज देखने के लिए मिलेंगे प्लस आपकी आंखों पे चश्मा लगेगा और आपके पेट पे और भी ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि आप पूरा दिन बैठे ही बैठे रहोगे समझ रहे हो तो ट्रेड करनी है तो सिंपल तरीके से यूज करो जोन स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग के टाइम पर न्यूज आती है तो न्यूज अगर नेगेटिव आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो प्लस लंदन सेशन का वेट करो अगर न्यूज पहले नेगेटिव आई और लंदन सेशन अभी बाकी है तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर लोग बाइंग एंट्री करेंगे फॉर स्विंग ट्रेड फॉर पोजिशन ट्रेड रीजन क्या है आप लोग पैनिक में हो बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं हैं वो जानते हैं कि जब ट्रेडर नीचे गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है जैसे कि आपने देखा होगा लाइक like, निफ्टी के अंदर देखें बैंक निफ्टी में देखें या फिर रिलायंस में देखें लोग कह रहे थे दिवाली के टाइम पर जो अनप्रोफेशनल है दे डोंट नो कि ट्रेडिंग किससे बोलते हैं ठीक है वो ज्ञान पेल रहे थे क्या पेल रहे थे टीवी में बैठकर दिवाली आ गई दिवाला निकल गया मार्केट बर्बाद हो गई सबके पैसे डूब गए मेरे भाई जो प्रोफेशनल लोग थे ना वो बैठकर हंस रहे थे क्यों हंस रहे थे आप अपनी सबसे बड़ा जो पैसा बनाएंगे ना वो तब बनाएंगे जब मार्केट क्रैश हो रही होगी बात बिल्कुल करेक्ट है जिसने भी बोली बहुत सही बोली ठीक आप बिल्कुल टॉप पर मार्केट में एंटर करने के रेडी हैं, बिकॉज सब कह रहे हैं कि एंटर कर लो ये कोई सबका गेम नहीं है ये बात ध्यान रखिए यहां पर आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस कंडीशन में जब मार्केट की न्यूज ये आए कि दिवाला निकल गया मार्केट बर्बाद हो गई ये हो गया वो हो गया समझ जाओ वही पैसा लगाने की जगह होती है मेरे भाई और जब मार्केट में यह कहा कि मार्केट ने लगाया अपना हायर टू हायर टीवी न्यूज चैनल पे आने लगे देखो जी हमारी सेंसेक्स हमारी निफ्टी ने तो आफत ही मचा दी ऊपर की तरफ जाते जाते समझ जाओ वहां से निकलने का टाइम आ चुका है समझ रहे हो तो ये पूरा का पूरा एक न्यूज बेस्ड कैसे ट्रेडिंग करनी है एक पिक्चर क्लियर करने का एक आइडिया आपको मिल गया होगा जो इंसान पैनिक टाइम पर जब सबकी हवा गोल हो कि मालिक भागो भागो समझ रहे हो जब सबकी हवा गोल हो और वो इंसान वहां जाकर एंटर करे उसको बोलते हैं रियल ट्रेडर और जो इंसान लाइक बिल्कुल टॉप पे आने पर बैठा रहे अभी और अभी और उसको पता ही नहीं लग पाया कि टॉप किसको बोलते हैं देखो मार्केट का लो एंड टॉप कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता बट न्यूज़ बेस्ड जब मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो यही है कि जब मार्केट में लाइक आतंक मच जाए कि मालिक सब बर्बाद सब बर्बाद समझो वहां हमको एंटर करना है

अपॉर्चुनिटी ठीक है पैनिक में आके भागने की जरूरत नहीं है शांत होकर देखो गेम क्या है मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो सुबह सुबह योगा करो एंड जाओ नीचे जोन स्ट्रेटेजी को ज्वाइन करो सिंपल ठीक है सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भी गोल्ड ट्रेडिंग करने में मजा आता है जब न्यूज आती है और वो भी डाउन साइड पर कितनी बार आपने जोन स्ट्रैटेजी यूज की है जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं जोन स्ट्रेटजी में कितनी बार आपने ट्रेड ली है और कितनी बार आपने प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया नीचे कमेंट करके बताइएगा मैं जानना चाहूंगा और जो लोग अभी तक जोन स्ट्रैटेजी में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है जोन स्ट्रैटेजी करके लिंक है जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड काफी ज्यादा बेटर प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं बहुत ईजी वे में खुद काम करके यूजिंग स्ट्रैटेजी ठीक है सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपना कमेंट जरूर बताइएगा कितने लोगों को जोन स्ट्रेटेजी फायदा हुआ और कितने लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई वन टू नो कि क्या सच में प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर नहीं ठीक है